केंद्र साहब, माझे सर्व सहकारी अधिकारी यहाँ पर पूरे भारत से आए हुए सारे द्विमासिक त्रिमासिक सारे न्यूज़पेपर न्यूज़ चैनल्स साईं बाबा के सबसे बड़े डिवोटीज जो हम बोल सकते हैं साईं दूत हमारे यहाँ के जो भी हम लोग विधि करते हैं साईं बाबा के मंदिर में जो पूजा पाठ करते हैं और जो आराधना करते हैं वो पूरे भारत भर विश्व भर ले जाने के लिए जो हमें सहयोग लगता है वो आप सब हमें देते हैं और उन सभी साईं भक्त का साईं दूत का हम संस्थान की तरफ से स्वागत करते हैं। सबसे पहले जो आपको ये हमने पत्रिका सम्मेलन बुलाया है उसका मैं औचित्य बताना चाहती हूँ और मैं अपना परिचय भी आपसे कराना चाहती हूँ क्योंकि आप बहुत सालों से यहाँ आ रहे हैं। मैं अभी यहाँ पे नहीं जुड़ी हूँ, मैं बहुत शुरू से साईं भक्त हूँ लेकिन अभी कार्यकारी अधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी करके सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद मैं मार्च में ज्वाइन हुई हूँ। 2008 बैच IAS ऑफिसर हूँ मैं और आप सबके साथ अपने को समाधि सेलिब्रेशन करना है, बहुत अच्छे से करना है, बहुत जोर शोर से करना है और वो भारत और विश्व सब जगह पर लेकर जाना है। क्या आप सब हमारा साथ देंगे? और इस सम्मेलन के लिए जब हम लोगों ने सोचा था कि हमें इस टाइप का एक सम्मेलन करना है जिसमें लोग अपना खर्चा करके आएंगे तो हमें लग रहा था कि पता नहीं ये सक्सेस होगा नहीं होगा। अध्यक्ष साहब को मैंने दो बार बोला, सर आप बोल रहे हैं लेकिन ये सक्सेस होगा कि नहीं होगा, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मेरा अनुभव है यहाँ पर लोग आएंगे उनको सम्मान से बुलाया जाए, उनका सम्मान किया जाए, उनका जो काम है उनको रिस्पेक्ट की जाए। तो जब हम लोगों ने लास्ट 2 मंथ में हम लोग अपना PRO ऑफिस के थ्रू हमारे सारे ऑफिस के थ्रू जब हम लोग चेक कर रहे थे कि कौन कौन से डिवोटीज है, कौन कौन से अपने पत्रिका के लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं पूरे भारत में, तो उनके जब हमने लिस्ट आउट करा और हमने सबको ईमेल्स करा, सबको फ़ोन करा, तो सब लोगों ने एक मिनट में हाथ रखा। अध्यक्ष साहब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स जो हमें सारे डिवोटीज से मिला है, सब लोगों से मिला है और उसकी वजह से आज हम लोग ये जो सम्मेलन है बिल्कुल टाइम पर कर पाए हैं 30 जुलाई का। थोड़ा सा मैं पहले अपने आयोजन की तरफ से आयोजकों की तरफ से थोड़ा माफ़ी मांगना चाहती हूँ, हमारे भारत के रेल मंत्री यहाँ आ गए थे इसलिए थोड़ा डिले हो गया प्रोग्राम में, इसके लिए हम पूरे आयोजनकर्ता की तरफ से आपसे उनसे माफ़ी मांगते हैं। लेकिन अपना जो ये कार्यक्रम का औचित्य, अपने सम्मेलन का औचित्य वो उसके पीछे इतनी छोटी से बात के पीछे उसके गलत नहीं होना चाहिए और अपना जो औचित्य है कि साईं बाबा का जो श्रद्धा और सबूरी का संदेश है, समाधि ईयर में जो अपने को काम करना है, समाधि ईयर के अंदर जो अपना योगदान रह सकता है सेलिब्रेशन में, उसके अंदर आप लोग हमें क्या क्या योगदान कर सकते हैं। हम लोग पूरा कोशिश कर रहे हैं, हम पूरे भारत भर से लोगों को कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे पत्रिका के लोग हैं जो मुझे व्हाट्सएप भी करते हैं। हम लोग यहाँ से जो न्यूज़ भेजते हैं जमशेदपुर के, शायद आए कि नहीं आए लेकिन उनका मुझे रेगुलर मैसेज आता रहता है कि हमने आपका न्यूज़ को पब्लिश किया। मे भी आप लोगों के पास मेरा नंबर नहीं होगा, अभी सबके पास मैं अपना नंबर भी शेयर करने वाली हूँ, तो आप लोग सब आपके जो एक्टिविटीज़ होते हैं वो हमारे PRO ऑफिस के थ्रू शेयर करेंगे तो हम लोग जो हमारी वेबसाइट है उसके ऊपर भी हम लोग उसको डालेंगे। और आप लोग सब एक हमारे अंग है, आप लोग हमसे अलग नहीं है, आप लोग हमारे संस्थान के एक सदस्य की तरह आपके आपके एरिया में जाके जो हम लोग एक्टिविटी कर रहे हैं उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। 1 अक्टूबर से जो अपना समाधि ईयर शुरू हो रहा है उसके सेलिब्रेशन में जो हमें सहयोग लगेगा, हमारी जब पादुका सब प्रदेश में आएगी, भारत के सब राज्यों में आएगी, तब हमें आप बहुत आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस वक्त बहुत बढ़ जाएगी क्योंकि उस वक्त आपके पूरे राज्य के अंदर जो आपको मीडिया मैनेजमेंट करना पड़ेगा, वहाँ के लोगों को अपना जो इवेंट है उसके बारे में नॉलेज देना होगा, उसके अंदर आपका बहुत बड़ा रोल रहेगा। हम लोगों ने संस्थान ने एक छोटा सा प्रयत्न करा है या सम्मेलन बुलाने का, अगर इस सम्मेलन में अगर कुछ भी थोड़ी बहुत त्रुटि रहती है और सुधारना की
जरूरत है, तो आप लोग जरूर अपना फीडबैक दीजिए, हम लोग जरूर उसमें जो अपना नेक्स्ट सम्मेलन होगा उसमें सुधारना करके नेक्स्ट टाइम और रिफाइंड रूप आपके सामने लाएंगे। इस सम्मेलन के लिए, इस कार्यक्रम के लिए आप लोग बड़े पैमाने पर आए और आप लोगों ने बहुत जल्दी प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्स किया, उसके लिए संस्थान की तरफ से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ, आप सबका धन्यवाद करती हूँ और आप सबका साई शिरडी और साई नगर में आप स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। जय महाराष्ट्र।